अभी तो निकाल रहे हैं ना, तो सभी सामान वामान लेकर जा रहे हैं? हाँ, सामान बैग में सब सामान है। सामान अब अपनी खुशी तो जाहिर करिए, कितने खुश हैं आप? मैं तो ज्यादा से ज्यादा खुश हूँ। जिस पहाड़ के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी मशीनें भी जवाब दे गईं, उसी पहाड़ को कुछ लोगों ने अपने हाथों से तोड़ दिया। पहाड़ टूटा और फिर 17 दिनों से फंसे 41 जिंदा इंसान उस पहाड़ के सुरंग से बाहर आ पाए। लेकिन क्या ये इतना आसान था? जिस पहाड़ को मशीनें नहीं तोड़ पाईं, उन्हें इंसानों ने आखिर तोड़ा कैसे? कौन थे वो लोग जिन्होंने बिहार के दशरथ मांझी जैसा पहाड़ तोड़ने का जज्बा दिखाया? और कैसे इंसान को कोयला और पहाड़ को मिट्टी मानकर इन लोगों ने कामयाबी की वो इबारत लिखी जो दुनिया के लिए मिसाल बन गई? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में जो मजदूर फंसे थे, वो सुरंग में करीब 60 मीटर अंदर थे। 12 नवंबर से इन्हें बचाने की कोशिश हुई और 16 दिनों तक की खुदाई के बाद अमेरिकी मशीन ऑगर महज 48 मीटर तक की ही खुदाई कर सकी और उसके बाद मशीन ने जवाब दे दिया। और तब याद आए वो लोग जो अपने पारंपरिक हथियारों जैसे फावड़ा, कुदाल, छेनी हथौड़ी से हमेशा से पहाड़ों का सीना चीरते रहे हैं। पहाड़ों के अंदर दबे कोयले को ये लोग छोटी छोटी सुरंगें बनाकर निकालते रहे हैं। खास तौर से ऐसे लोग मेघालय में हैं जहां पहाड़ के नीचे कोयला है। ये लोग ऊपर से ही पहाड़ तोड़कर उसमें पतली सुरंगें बनाते हैं, फिर रस्सी या सीढ़ी के सहारे एक आदमी इसमें दाखिल होता है और किसी टोकरी या बर्तन में कोयला इकट्ठा कर ऊपर लेकर आता है। ऐसे ही लोगों को रेड पाइनर्स कहा जाता है। मेघालय के अलावा जोबाई और चेरापूंजी में इस समुदाय के लोग हैं। लेकिन इनका काम इतना खतरनाक रहा है कि साल 2014 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि मेघालय के रेड माइनर्स अवैध तरीके से अब भी कोयला निकालने का काम करते ही रहते हैं। हालांकि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से गिरे पहाड़ को चीरने में जब मशीनों ने जवाब दे दिया, तो फिर से रेड माइनर्स की ही याद आई। इन्होंने सुरंग में फंसे इंसानों को कोयला समझा और पहाड़ को कोयले के साथ ही मिट्टी, और फिर वो कर दिखाया जिसने दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। इन रेड माइनर्स की खुदाई ने सुरंग में फंसे 41 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। इनमें सबसे ज्यादा 15 लोग झारखंड के रहने वाले हैं जो उत्तराखंड में काम करने के लिए आए थे। इसके बाद यूपी के 8 लोग हैं, वहीं बिहार और ओडिशा से 5-5 लोग, पश्चिम बंगाल से 3, असम और उत्तराखंड से 2-2 लोग और हिमाचल प्रदेश से 1 शख्स इस टनल में फंसा था जिन्हें 17 दिनों के बाद बाहर निकाला जा सका है। अब ये सभी लोग अस्पताल में हैं जहां इनका इलाज चल रहा है। इनके घर वाले भी पहुंच गए हैं और उन्हें इंतजार है अस्पताल से छुट्टी मिलने का। तो आप भी इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया। Thank you.